सर स्वप्निल स्वप्निल आ रहा है ऐसा बोल रहा, क्या बोल रहे हो बेटा? स्वप्निल आ रहा है, 1 मिनट। हाँ बेटा, उसको ले लिया मैंने, ले लिया बेटा, अब वो ज्वाइन हो जाएगा, सर ज्वाइन हो गया। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the hall. अब जो एन मास्टर था वो तो वहां से चला गया। आधे घंटे बाद वहां पे वो गाड़ी फिर से आई एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वाज नॉट द एन मास्टर। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन देन ही हिमसेल्फ। अब एन मास्टर ने अपनी बेटी को भेज दिया कि भाई मैं कन्विंस नहीं कर पाया मेरे दोस्त को, तू कन्विंस कर। यहाँ पे आपको दिखता है कि एन मास्टर बहुत नोबल नेचर का इंसान है, बहुत दयालु है, अपने पुराने दोस्त को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। She entered followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. In the forge, यानी लोहे के कारखाने में, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and the apprentice, trainee, जो trainee होता है उसको apprentice कहते हैं, still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. अपने सर को सपोर्ट करने के लिए लोहे की एक शीट रख ली थी उसने। And has his hat pulled down over his eyes. आँखों में क्योंकि भट्टी जल रही थी तो रोशनी आती है, उनसे बचने के लिए अपनी आँखों पे उसने अपनी टोपी रख ली। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. जब वो औरत ने, लड़की ने उसके चेहरे से वो टोपी हटाई तो इसको एक तरह का शॉक लग गया, वो अपनी नींद से जाग गया, डर गया। माय नेम इज एडला विलियमसन, सेड द यंग गर्ल। माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। वो कहती है मेरा नाम एडला है, मेरे पिताजी ने जब घर पे बताया कि उनका दोस्त हमारी फैक्ट्री पे ही रुका हुआ है तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि तुम्हारी जिंदगी में इतना मुश्किल समय चल रहा है। She looked at him compassionately, उसकी तरफ प्यार से देखा, with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उन्होंने देखा कि आदमी डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. वो इमीडिएटली जज कर गई कि या तो ये चोर है या तो इस जेल से भागा हुआ है। She thought and added quickly, you may be sure captain that you will be allowed to leave as freely as you came, only please stay with us over Christmas. वो कहती है कैप्टन मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि आप उतनी ही आजादी से हमारे घर से निकल सकेंगे जैसे कि आप चल रहे हैं, बस क्रिसमस की इवनिंग आप हमारे साथ बिताइए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उस बंदी ने, उस लड़की ने इतना प्यार से कहा कि ये उसके कॉन्फिडेंस में आ गए। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. बोले ठीक है मैम मैं चलता हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as the glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take that fellow's money? He thought, now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब यहाँ पे इसके मन में ख्याल आ रहा है कि मैंने चोरी की क्यों? अब मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ और शायद कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसको क्लियर कट दिख रहा है, मैं जाऊंगा पहचान लिया जाऊंगा तो मुझे पकड़वा दिया जाएगा, और एक बार मैं पकड़वा दिया गया तो जेल। कम से कम मैं भटकता रहता था लेकिन जेल में तो नहीं था। इसको दुख है, इसे अफसोस है कि मैं ट्रैप में क्यों फंसा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। And when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. वो कहता है अपनी बेटी को कि यार मेरा दोस्त जो है वो बहुत कमजोर हो चुका है, वो हड्डियों का ढांचा हो गया है, तो कम से कम उसको इतना तो खाना दे कि उसकी बॉडी में मीट तो आए, वो फ्लैश तो आए। He said to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और वो कहता है कि हमें उसके लिए कुछ और काम भी ढूंढना पड़ेगा, ऐसे मेरा दोस्त rat traps बेच रहा है अच्छा नहीं लग रहा। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. कहता है बहुत अजीब है, strange है। Regimental comrade का मतलब होता है army में जो battalion होती है ना बेटा, उसको regiment भी कहते हैं, और comrade का मतलब होता है साथी, जो आपके साथ काम करता है उसको कॉमरेड कहते हैं।
तो रेजिमेंटल कॉमरेड हियर रिफर्स टू समवन हु वाज विद विद यू इन द सेम ट्रूप और बटालियन ऑफ द आर्मी. समझे बेटा? सॉरी आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन इट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी बेटा. वो कहता है कि उसके लिए कुछ काम करे. लास्ट नाइट आई डिडंट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. कहता है कि उसके कल के बिहेवियर से तो बिल्कुल नहीं लगा कि वो एजुकेटेड है. यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल सेड द फादर. एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एंबैरस्ड. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुम उसको ओवर जज कर रही हो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो एम्बेरस था, निराश था, दुखी था, वो शर्मिंदा था हमारे सामने. जैसे उसके ट्रैम्प के कपड़े जाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेगा, उसका मैनर भी वैसा. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. द वैले हैड बाथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम. मोर ओवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स व्हिच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच्ड स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज. अच्छे कपड़े पहन के. But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब क्या हुआ? अब Iron Master को realize होता है कि मुझसे गलती हो गई. ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं. ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissemble it. He saw at once that the splendor had come to an end. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. वो कहता है सर देखिए मैं तो वैसे भी आना नहीं चाहता था. आप लोग ही फोर्स करके लाए, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा है. मैं अपने पुराने कपड़े पहनता हूँ और चला जाता हूँ. Well, said the Iron Master, hesitating a little, it was not quite honest either, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. Ab wo kehta hai ki tum honest bhi nahi the, tumne aisa nahi bola ki main tumhara dost nahi hu. Mujhe lagta hai police iska acha khayal rakhegi. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Now I'm going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese drinks and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. उसको convince करने की कोशिश करता है कि देखो भाई ये पूरी दुनिया ही ऐसी है. मैंने उस वक्त लालच में आके तुम्हें कह दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. तुम पुलिस बुला लोगे, मुझे जेल में डलवा दोगे, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा. आज मुझे तुम फंसा रहे हो, वक्त आने पर तुम खुद फंसोगे. दैट वॉज नॉट सो द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ. दैट वॉज नो नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. कहता है ठीक है भाई जा, अभी जितना जल्दी हो सके जा. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो, एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. अब आयरन मास्टर ने तो उसको बोला तुम चले जाओ, लेकिन ये कहता है, इसकी बेटी कहती है कि रुक जा भाई क्रिसमस है खाना खा के. बट व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एंबैरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट ऑफ हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉय. सॉरी. अब हुआ क्या, उस दिन जब वो खाना बना रही थी तो उसने यही मन में सोचा था कि भूखा बेचारा इंसान है, उसके लिए मैं कुछ करूंगी. अब वो इंसान बिना खाए पिए घर से निकल जाए तो उस ख्याल से वो दुखी थी, इसीलिए उसने उस वेगाबॉन का पक्ष लिया. इंटरसीडेड मतलब टेकिंग साइड. आई एम थिंकिंग फॉर दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, एंड देयर इज प्रोबब्ली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम. वेयरएवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे. ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. Uski beti kehti hai papa iski taraf dekho to sahi, bechara pura saal idhar se udhar bhatakta rehta hai, dukhi rehta hai, kya hum use ek khushi ka din nahi de sakte.
The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. कहती है पिताजी बरोबर है कि ये सही इंसान नहीं है लेकिन हमें इसे घर पे लाए हैं कम से कम क्रिसमस तो इसको सेलिब्रेट कर ले रहे यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सल सेड द आयरन मास्टर आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस पिता कहता है तुम तो एक प्रीस्ट के जैसी बातें कर रही है मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल नाउ सिट डाउन एंड ईट शी सेड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इट द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नो नॉट अ वर्ड He only sat down and helped himself to the food, time after time. He looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? After that, Christmas Eve at Remsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he didn't nothing but sleep. The whole forenoon, he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that, he slept again. It seemed as though for many years, he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Remsjo. वो वहाँ पे सोया रहा। ऐसा लग रहा था कि सालों से सोया नहीं है। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again. And he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. खाना खाने के लिए बुलाया As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He didn't have to return it. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. तो जैसे ये जाने लग रहा था उस लड़की ने उसे कहा कि जो तुमने कपड़े पहने हैं ये मेरे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और नेक्स्ट ईयर भी अगर तुम क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहो बिना डर के बिना तकलीफ के तो तुम यहाँ पे आ सकते हो द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नथिंग डिडंट आंसर एनीथिंग टू दिस ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप एंड गुड इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप एंड दे डिडंट डिस्टर्ब हिम वो सुबह सुबह चर्च चले गए When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red traps. अब हुआ क्या जब ये चर्च गए तो उन्हें पता चला कि ये वही बंदा है जिसने उस क्रॉफ्टर की चोरी की थी. Yes, that was a fine fellow you let into the house, पिता कहता है उसका. अच्छा इंसान ले आई तुम. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. कहता है घर पे चल के चेक कर कितना हमारा सामान चोरी कर लिया उसने द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैले वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ द वैले आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल ऑन द कंट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज व्हिच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट उसने बताया कि वो जो पेडलर था वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया बल्कि कुछ दे गया है एक पैकेट जो उसने मिस विलियमसन के लिए गिफ्ट में दिया है द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज व्हिच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 30 रिंकल 10 क्रोन नोट्स बट दैट वाज नॉट ऑल इन द रेड ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जेट कैरेक्टर्स ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज कैप्टन आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न As if I was real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. Ab wahan pe wo pashtawa kar raha hai. Bol raha hai, madam, main aapse maafi chahta hoon ki main aapke aapne mere sath acha behave kiya, main aapke sath bura behave nahi karunga. Ye 30 crowns main usi ke liye chhod ke ja raha hoon, us bande ko lota dijiyega. The rat trap is a Christmas present from a rat. Who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain? Because in that way he got power to clear himself. उसको शुक्रिया अदा करता है कि ये जो rat trap है मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ. मैं अब इस rat trap से आजाद हूँ और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अच्छा इंसान बनने में मदद की. अब मैं captain की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ. Written with friendship and high regard, Captain Von Star अपना नाम लिख दिया.
यहाँ पे हो गया हमारा यूनिट खत्म। बच्चा लोग, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सिखाती है। कहानी सिखाती है कि संसार में हर बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनने का मौका दिया जा सकता। कहानी सिखाती है कि दुनिया में ऐसी कोई बुराई नहीं जिसे अच्छाई जीत ना सकती हो। कहानी सिखाती है कभी भी किसी का भी मन बदल सकता है, अंतर्मन चेंज हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। यहाँ पे हमारा ये यूनिट खत्म होता है। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरीज और क्वेश्चंस, यू कैन व्हाट्सएप मी। आई हैव अ कंटिन्यू लेक्चर जस्ट 2 मिनट्स आफ्टर योर लेक्चर, सो आई विल बी एंडिंग दिस लेक्चर इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। 8:10 को मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, सो आई विल बी एंडिंग दिस लेक्चर एट 8:05 और 8:06। इन केस यू गाइस हैव एनी डाउट, डिफिकल्टी और क्वेश्चंस, डू व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप दैट यू लाइक्ड एंड लव दिस स्टोरी। यस कविशा, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? क्वेश्चन आंसर्स लिखने का? हाँ बेटा, होमवर्क वही बताने जा रहा था। आपके पास इसके नोट्स ऑलरेडी हैं, तो समरी ग्लॉसरी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके नोट्स में प्रोवाइडेड है वो आपको लिखने हैं। अभिजीत, यू मे नॉट बी हैविंग द नोट्स, आई एम सेंडिंग यू द PDF, डाउनलोड इट एंड फ्रॉम दैट यू कैन कॉपी द क्वेश्चंस। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, बी हैप्पी एंड बी सेफ। स्टिल कोरोना इज नॉट गॉन, टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस व्हेन यू आर गोइंग आउट। God bless every one of you. Bye for now. Bye, sir. Thank you, beta. Papa.